हेलो चाम्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डायरेक्टिंग चैप्टर से रिलेटेड ये माइंड मैप। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि माइंड मैप एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग तरीका होता है टू रिवाइज एंड रिकॉल द होल चैप्टर। तो जहाँ पे भी आपने डायरेक्टिंग चैप्टर के नोट्स लिखे हैं उसके एंड में आप ये माइंड मैप बनाइए, बी अ लिटिल क्रिएटिव एंड रिकैपिटुलेट द एंटायर चैप्टर। उससे पहले मैं हाईली रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप कीवर्ड से रिलेटेड वीडियो ज़रूर कवर कर लेना फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर सॉल्विंग द केस स्टडीज़, फॉर योर MCQs एंड ऑफ कोर्स फॉर योर CUET प्रेपरेशन। आई पुट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू कवर दोज वीडियोज। नाउ कमिंग टू द माइंड मैप, जैसा आपको पता ही है कि माइंड मैप में जो भी सेंट्रल थीम है चैप्टर का उसे हम सेंटर में रखते हैं और वेरियस नोट्स से उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उन्हें शो करते हैं। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं दैट इट मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके फोर एलिमेंट्स होते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शन शन शनशिप मीनिंग मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है आपका। नाउ अगर बात करें इसके फीचर्स की, इसका हमने निमोनिक बनाया टैल्क, जैसे टैल्क पाउडर। सो टी से आप याद रख सकते हैं दैट इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये हो गए इसके फीचर्स। उसके बाद अगर बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो उसका भी हमने निमोनिक बनाया है FIBIG, फ्यूचर इज बिग, याद रख सकते हैं। सो फैसिलिटेशन ऑफ द नीडेड चेंजेस, इनिशिएट्स एक्शन, जो फीचर में भी आ गया इंपॉर्टेंस में भी आ गया। Brings in stability and balance in the organization, integrates employees' efforts and guides the employees so that they realize their full potential. ठीक है, यहाँ पे जो इसके elements हैं उससे related मैंने mind map आपको separately show किया because it's a huge discussion. So motivation का जैसे keyword है stimulating people to action, लोगों को जगाओ कि काम करो। Making them act in a desired manner. This is another keyword for this. So motivation में हम पढ़ते हैं features of motivation, importance of motivation, then incentives, then Maslow की need hierarchy theory और motivation का process भी. So motivation के अगर features की बात करें, simple है, काफ़ी easy है याद रखना। It is an internal feeling. It produces goal-directed behavior. It can be both positive or negative. And it is a complex process because people are heterogeneous in nature and same type of motivation may not have similar effect on everyone. राइट, उसके बाद इम्पॉर्टेंस जो है मोटिवेशन की वो भी सिंपल है। इससे एम्प्लॉई टर्नओवर कम होता है, लोग कम ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएंगे, एब्सेंटिज्म कम होता है, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, उनका एटीट्यूड नेगेटिव से हम पॉजिटिव कर सकते हैं इफ़ वी प्रोवाइड देम द राइट मोटिवेशन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन इंसेंटिव्स की बात करें, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का हमने निमोनिक बनाया PPRCB PP, दैट इज प्ले प्ले RCB प्ले प्ले। RCB जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आपको पता ही है। सो पी से हो गया पे एंड अलाउंसेज, देन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, बोनस, परक्विजिट्स और प्रॉफिट शेयरिंग। देन द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये भी ईजी है याद रखने, JJEEE COS या SOC जैसे भी, तीन तो ई से ही हो गए, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। दो जे से हो गए, जॉब एनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी। देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और स्टेटस, ईजी टू रिमेंबर। मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें डेफिनेटली आनी चाहिए और बहुत सिंपल भी है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। उसके बाद मोटिवेशन का जो प्रोसेस है, पहले एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है, उससे टेंशन होती है, उससे हम हमारे अंदर ड्राइव जनरेट होती है, फिर हम सर्च बिहेवियर करते हैं, फिर हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है और फिर टेंशन भी रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन ऑफ टेंशन। सो दिस इज मोटिवेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, विच इज अगेन अ फुल डिस्कशन। नाउ कम्युनिकेशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कम्युनिस,
विच एक्चुअली मीन्स रीचिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग. तो कम्युनिकेशन में यही होता है कि मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ आप भी उसको उसी तरह से समझ जाए. वी शुड हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में बैरियर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्हें अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, वेरी वेरी यूजफुल वीडियो. तो POPS हमने इसका निमोनिक बनाया, POPS, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स और सिमेंटिक बैरियर्स. साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो स्टेट ऑफ माइंड होता है सेंडर का, रिसीवर का, वो बहुत मैटर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. नाउ साइकोलॉजिकल बैरियर्स PLDL, अगर आप इससे याद रख सकते हैं, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रस्ट और लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में इफ यू कैन रिमेंबर, वन स्विच ऑफ रिमोट कंट्रोल. सो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज. उसके बाद पर्सनल बैरियर्स का निमोनिक बहुत सिंपल है, फुल, दैट इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, lack of proper incentives and lack of confidence of superior over subordinate. Semantic barriers, बहुत ही सिंपल है, but BSF, जैसे border security force, if you can remember like that. So, badly expressed message, symbols with different meanings, unclarified assumption, faulty translation, body language and gesture decoding, technical jargon. ठीक है, ये हो गए हमारे barriers. Now, types of communication, formal, informal. Formal may be vertical, horizontal. Or vertical may upward, downward. Informal ko hum grapevine network bhi kehte. Theek hai, ye ho jayega. Uske baad, importance of communication. Bahut zyada important nahi hai ye, but it's given in our book, so we have to do it. It provides basis for coordination. It provides basis for decision making. देन इससे स्मूथ वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजीरियल एफिशिएंसी बढ़ती है, मोराल बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, इफेक्टिव लीडरशिप हो पाती है और कोऑपरेशन भी बढ़ता है. देन कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसके एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है और सिंपल है. सेंडर होता है, मैसेज होता है, देन एनकोडिंग करते हैं, फिर मीडिया एक होता है जिसके थ्रू मैसेज आता है, फिर डिकोडिंग होती है उसकी, फिर रिसीवर होता है और फिर वो अपना फीडबैक भेजता है और बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या नॉइज हो सकती है. ओके, देन वी ऑल्सो हैव टू कवर दिस कि हम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी ओवरकम द बैरियर्स, राइट. तो इसके लिए क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेजेस टोन ऑफ द रिसीवर, बी अ गुड लिसनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो अप एक्शन और ऐसी चीजें आप उनको कन्वे करें जो उनके लिए यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर्स. ऑलराइट, उसके बाद हम बात करेंगे लीडरशिप की, जिसका की फ्रेज होता है इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लीडरशिप के फीचर्स सिंपल है, ये एक पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है. जैसे हम कहते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर, क्योंकि ये उनकी एक क्वालिटी है. देन इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इंटरपर्सनल रिलेशन एक डिवेलप हो जाता है फॉलोअर्स और लीडर के बीच में. इससे हम लोगों का बिहेवियर पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं और गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो तो ऑब्वियस है. सो दीज आर द फीचर्स, देन इम्पॉर्टेंस, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, चेंजेस हम स्मूथली ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सबॉर्डिनेट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल कर सकते हैं और एक कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर. ऑटोक्रेटिक को आप अथॉरिटेरियन स्टाइल भी कह सकते हो. यहाँ पे लीडर डॉगमेटिक होता है, ही और शी डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड. डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर होता है, देन लेजिस्फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल. सो दिस इज लीडरशिप. नाउ सुपरविजन में बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन, गाइडिंग पीपल, इंस्ट्रक्टिंग पीपल, ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, सो दैट इज सुपरविजन, राइट. सो दिस वॉज द माइंड मैप रिलेटेड टू डायरेक्टिंग चैप्टर. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, इफ इट डिड प्लीज लाइक द वीडियो. अभी बाकी सभी चैप्टर्स के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.